नमस्ते दोस्तों, वन्नस केक गैलरी में आज बनने वाला है 1 kg का बटर स्कॉच केक। और ये बटर स्कॉच की रेसिपी मैंने कल ही अपलोड की है मेरे चैनल पर, और मैं प्रोलाइंस कैसे बनाती हूँ उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की है, कल ही अपलोड की है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इस केक में मतलब ऐसा हुआ कि शायद मुझे थोड़ा सा सोक और अच्छे से करना था, तो हुआ ये हो कि मेरे कस्टमर को ये केक थोड़ा ड्राई लग रहा था, मीन्स हार्ड लग रहा था। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई ख़राब फीडबैक होगा तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की थी, और ये मेरे घर का होममेड प्रमिक्स है, तो पता नहीं क्या मिस्टेक है हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश की थी, और इतना ज़्यादा मेहनत करके मैंने इस बटर स्कॉच सॉस को बनाया था, और मैंने अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की थी। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से इस केक को बनाया है, और ये 1 kg में टॉल केक होने वाला है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है अपना 320 से 25 ग्राम तक आप प्रीमिक्स ले सकते हैं इस तरह की केक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम की डेकोरेशन नहीं है। इसमें मैं कुछ टॉपर्स लगाऊंगी और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया। ये देखिए, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पहले मीन्स पिछले की वीडियो में मैंने बताया है कि जो मैंने सॉस बनाया था वो थोड़ा थिक होता है, उसे आप चॉकलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा थिक होता है, तो मैंने थोड़ा सा पानी मिला के उसे पतला किया है ताकि मैं केक में अप्लाई कर सकूं। तो वो जो सॉस है बेसिकली आप चॉकलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा पानी मिलाने से वो थोड़ा और पतला हो जाएगा, और मुझे इसे स्टोर करना था लंबे समय तक, इसलिए मैंने उसमें पानी मिलाया नहीं था। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो सोक कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा बटर स्कॉच को डाइल्यूट किया है पानी में, और उसी से मैं अपने केक की सोकिंग कर रही हूँ। और इस क्रीम का आप टेक्सचर देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें बटर स्कॉच सॉस मिला के इस क्रीम को बनाया था ताकि और ज़्यादा बटर टेस्ट आए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उनको थोड़ा सा ये केक ड्राई लग रहा था। फर्स्ट टाइम ही ले गई थी मुझसे वो केक, पर पता नहीं मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, और आगे एक दो केक और हैं जो कि मैंने इतने इमरजेंसी में बनाया, मुझे ऐसा लग रहा था, अब लग रहा है कि मुझे उन दोनों ऑर्डर्स को नहीं लेने चाहिए थे। सच में मतलब मेरा फ्लॉप केक आगे मैं शेयर करूंगी आपको, हालांकि मेरी फ्रेंड ही है वो, तो उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, इतने अर्जेंट बेस पे आपने बनाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आगे मैं शेयर करूंगी, मेरी वीडियो आएगी धीरे धीरे एक एक करके। तो यहाँ पर टोटल मेरे केक के 6 लेयर होंगे, और मैं 1 kg केक है, ये टॉल केक है, तो इसलिए ये 6 लेयर में कट किया है मैंने इसे, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी फ्रेंड, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कट करके आपको दिखाऊँ। ये देखिए सॉस कितना ज़्यादा रिच दिख रहा है, आपको देख के ही पता लग रहा होगा। और अगर आपने वो सॉस की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो एक बार ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर डाला है, और लाइन भी डाला है, और सारी चीज़ें मैंने डाली है, तो इस तरीके से मैं इसे क्रम कुट करके फ्रिज में रख दूँगी। और आप देख सकते हैं सामने में मैंने घड़ी भी लगाई है कि इस केक को बनाने में मैंने कितना एफर्ट डाला, हालांकि इस केक को ही नहीं, हर एक केक को बनाने में सच में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, और हमें होम बेकर्स को घर के काम के साथ साथ इसे भी करना है, और इस काम को करने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, तो काम भी वैसा ही करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप उसमें थकान महसूस नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है, और ये नॉन एडिबल प्रिंट है, और ये ग्लॉसी पेपर है, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्लॉसी पेपर है, इसको आप केक में चिपकाएंगे बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं एक एक करके सारे जो प्रिंट्स मैंने करवाए थे कट करवा लूँगी, और इस प्रिंट को मैं कैसे करवाती हूँ, कैसे मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ अपने कस्टमर के हिसाब से, वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगी।
अगर आपके किसी भी मेरे सब्सक्राइबर का सवाल आता है तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टूथपिक भी लगाया है और आप घड़ी की सुइयों को भी देखते रहिए कि कितना टाइम जाता है एक केक के पीछे। हालांकि बीच बीच में मैं अपने घर के भी काम कर रही थी, बीच में मुझे लंच भी करना था, ये दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे वेट कर रहे थे कि मम्मी आ जाओ खाने, और मैंने सोचा कि नहीं थोड़ी बहुत काम करके, क्योंकि मुझे इस केक की डिलीवरी 5 बजे देनी थी और मेरे क्लाइंट जो है 5:30 बजे तक आ चुकी थी। और इस तरह के टॉल केक को पैक करना भी एक थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जो टॉल केक होते हैं इसको थोड़ा सा जो बॉक्स है बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने टॉल बॉक्स मिलते नहीं हैं और एकदम जो टॉल बॉक्स होते हैं वो 100-150 रुपए के होते हैं। और इस केक की प्राइस भी मैं आगे बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो आप उससे पता चल जाएगा कि मैंने कितना इस केक का चार्ज किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कलर की क्रीम लगाई है, और कभी भी 2 कलर की क्रीम लगानी हो तो पाइपिंग बैग की ही हेल्प लें। इससे क्रीम जो है बहुत अच्छे से लगती है, जैसा आपको चाहिए मनचाहा क्रीम लग जाती है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से धीरे धीरे पैलेट नाइफ को घुमा रही हूँ, और मैंने अपने केक बोर्ड की साइज़ भी आपको दिखाई है, और केक टिन जो है मेरा 6 इंच का है। जी हाँ, टॉल केक अगर आपको चाहिए 1 केजी में तो आप 6 इंच का केक टिन यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास टॉल टिन नहीं है केक टिन तो आप जो है 6 इंच के केक टिन में 180 180 ग्राम करके 2 बार में अपने केक को बेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही करती थी, शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लिए थे केक मटेरियल की जो भी चीज़ें आती हैं। धीरे धीरे जब जैसा मेरे कस्टमर की डिमांड होती गई उस हिसाब से मैं काम करती गई, और शुरुआत में तो सच में मतलब ऐसा लगता था कि 6 इंच के केक टिन में एक आधा केजी का केक बनता है तो हम कैसे 1 केजी का बना ले। मैं जल्दी बेक नहीं करती थी, और मतलब मैंने ये सब चीज़ें क्लास में आप नहीं सीख सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही सीख सकते हैं। तो इसलिए जो भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको शेयर करती हूँ, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मैं काफ़ी अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी मैं कोशिश करती हूँ कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, बोला था कि पर्पल कलर की क्रीम केक बना के दिखाइए, तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। और रशियन नोज़ल का यूज़ करके मैंने उस केक को बनाया है, और रशियन नोज़ल का यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने उसमें दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं फुल डिटेल में वीडियो उस पर बनाऊंगी अगर आप कहेंगे तो, और स्टेप बाय स्टेप आप भी केक बनाइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप अगर केक बनाते हैं तो। और अपने फोटोज़ इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं, लिंक मैं हमेशा अपने वीडियोस में शेयर करती आई हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक। तो जो भी मुझे इवेन नहीं लग रहा था वहाँ पर मैं फिर से क्रीम लगा के इवेन करूँगी। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि उनका जो ग्रास नोजल है वो बार बार निकल जाता है, तो जी हाँ मेरा भी इस बार ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, तब मुझे समझ में आया कि कैसे निकल जाता है ग्रास नोजल। तो अब उसका बहुत ही अच्छा जवाब मेरे पास है, उस टाइम पे नहीं था क्योंकि मेरा कभी निकलता नहीं था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रास नोजल निकल कैसे जाता है। तो देखिए, मेरे पास 2 ग्रास नोजल है, और 1 ग्रास नोजल जो मैंने पूरा बल्क में खरीदा था, अपना नोजल्स बहुत सारे उसमें नोजल थे, तो उसमें मुझे एक ग्रास नोजल मिली थी, तो उसका यूज़ मैं रेयर ही करती हूँ, मैं आगे दिखाऊंगी उसकी फोटो। और आज मैंने उसी ग्रास नोजल का यूज़ किया और वो बार बार निकल रहा था, तब समझ में आया कि ग्रास नोजल कैसे निकलता है। और मेरे पास एक और ग्रास नोजल है, उसका भी फोटो मैं आगे दिखाऊंगी, तो वो जो है कभी नहीं निकलता है। तो आप लगे तो उस तरीके का मार्केट में खरीद कर लेकर आइए ताकि आपका भी कभी भी डिज़ाइन खराब ना हो। तो ये चीज़ मैंने फेस की तो मुझे पता चला। तो वही कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस हम करते हैं तभी हमको पता चलता है कि क्या और ऐसे इसको बेटर बना सकता है। तो
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्राउन कलर का फोंडेंट, और उनको ब्राउन मतलब उनको फोंडेंट वर्क ज़्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन कई चीज़ें हैं जो हम बिना फोंडेंट के नहीं बना सकते हैं। तो और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, आप देख सकते हैं 4 बजने वाला है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर फोंडेंट से ही ये जो ट्री का स्टेम है मैं वो बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं इम्प्रेशन दूंगी ट्री वाला, और ये देखिए मैंने इसे खरीद लिया है। जो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ हाथ से नहीं हो सकती और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं उस चीज़ को खरीद लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है मुझे अभी, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि खरीद लूँ। सारी चीज़ें नहीं खरीदती, लेकिन मुझे जो कुछ एकदम यूनिक लगती है और जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है वो चीज़ मैं खरीदना पसंद करती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि अभी तक मैंने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, चॉकलेट गार्निशिंग से लेके इस तरह के इम्प्रेशन वाले। बहुत ज्यादा नहीं खरीदी है लेकिन हाँ खरीदी है थोड़ी बहुत, उसकी भी वीडियो मैं लाऊंगी अगर आप चाहेंगे तो। बस यहाँ पर देखिए कि मैं किस तरीके से ट्री लगा रही हूँ। और ये ट्री जो मेरे पास 3 ट्री थी जो मैंने प्रिंट करवाए थे, तो दोनों ही ट्री जो है मैंने वही काटे थे जो राइट साइड से थी, और बेसिकली मुझे दोनों साइड से वाली झुकी हुई ट्री चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, फटाफट से मेरे पास जो ट्री थी दूसरी उसको मैंने कट किया और दूसरे साइड में मैंने इसे लगाया है। तो ये देखिए मैंने ग्रास बना लिया और वीडियो मेरा ऑफ था। खैर कोई बात नहीं, ये ग्रास बनाना काफ़ी ईजी है। और ये वही वाली नोजल है जो बार बार निकल जाती है, मुझे नहीं पता था कि ये निकल जाती है। तो ये देखिए मैंने इतना करके इसका वेट किया, ये पूरा जो है 1 kg का हुआ, लेकिन अभी कैमरे में दिखा नहीं आपको। तो अब मुझे लगाना था यहाँ पर ट्री, क्योंकि 5 बजने वाले थे, तो मैंने इसके पीछे में चॉकलेट लगाई है ताकि मेरा जो ये फोंडेंट है बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, क्योंकि जब ये क्रीम से टच होगा ही नहीं तो हमारा फोंडेंट बिल्कुल भी मेल्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मेल्ट तो नहीं होता लेकिन हाँ वो धीरे धीरे सॉगी होता जाता है और क्या होता है अपनी जगह से वो गिर जाता है। ये चीज़ मैंने एक बार फेस की है, वो फिसल के नीचे आ रहा था, तो इसलिए आप ये तरीका अपनाइए काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए मैंने ट्री के लगा दिया था यहाँ पर, लेकिन ये जो है थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसे कट किया और इसे मैं दोबारा से कट करूँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा था। और साइड में मैंने एक दूसरे मोबाइल में इस जो भी मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ोटो भेजी थी केक की, उसे मैं रख ली हूँ ताकि मैं आप उसी तरीके से ट्री बनाऊं और वहीं पर ट्री को लगाऊं। तो अभी मैंने लिया है बिल्कुल ये सर्कल वाला नोजल है, इसमें कोई मतलब डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सा ही है। आप चाहे तो इसे पाइपिंग बैग से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पर मेरे पास था तो मैंने इसका यूज़ किया है। और हाँ अभी जो मैं ये डॉट बना रही हूँ मैंने इस क्रीम में न्यूट्रल जेल का यूज़ किया है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो इसे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी आती है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रल जेल की, आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन में। और कई तरह के डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें सॉफ्ट क्रीम की ज़रूरत होती है, तो उसमें न्यूट्रल जेल अच्छा रहता है डालना। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से अपने ट्री को बनाया है, और इसकी पैकेजिंग मैंने नहीं बनाई है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो अब मेरा जो है नोज़ल यहीं पर निकल गया था, तो फिर मैंने दूसरी वाली नोज़ल ली और उसके बाद मैंने इस केक को पूरी तरह से कंप्लीट किया। ये देखिए मेरा नोज़ल निकल चुका है। फिर मैंने तीसरी पाइपिंग बैग ली और इस तरीके से मैंने अपने केक को कंप्लीट किया। और ये 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पर मैंने बर्थडे बॉय का नाम, बर्थडे गर्ल का नाम भी लिख दिया है। तो मेरा केक जो है पूरी तरह से, ये देखिए ये नोज़ल आपको चाहिए जो अभी दिख रहा है आपको वीडियो में, और इसके पहले वाली जो नोजल दिख रही थी वो मैं यूज कर रही थी, तो वो बार बार जो है मेरे पाइपिंग बैग से निकल रही थी। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही था केक में। तो मेरा केक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं और नई नई वीडियोस लाने वाली हूँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।